हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। तो वक्त हो गया है दिन भर की बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो चलिए जानते हैं आज दिन भर की बड़ी खबरें। योगी बोले, मुलायम होशियार, जानते हैं अखिलेश हारेंगे इसलिए बेटे का नाम नहीं लिया। जी हां, करहल रैली में सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि नेताजी बहुत होशियार हैं, वे जानते थे कि यहां की जनता प्रोफेसर बघेल को जिता रही है, इसलिए वह अखिलेश का नाम नहीं लेना चाहते थे। कुछ लोग पीछे से बार बार उनसे बोल रहे थे कि अखिलेश का नाम ले लें, अब ये हालत हो गई है कि बाप अपने बेटे का नाम नहीं जानता। सीएए आंदोलन को लेकर यूपी में वसूली नोटिस वापस, सुप्रीम कोर्ट के वसूली रिफंड करने के आदेश। जी हां, सीएए विरोधी प्रदर्शनों में हुए सार्वजनिक संपत्तियों के नुकसान की वसूली वाले 274 नोटिस यूपी सरकार ने वापस लिए हैं। इसके साथ ही कार्यवाही वापस ली गई है। 31 अगस्त 2020 को अधिसूचित किए गए उत्तर प्रदेश सार्वजनिक और निजी संपत्ति के नुकसान की वसूली अधिनियम के तहत सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को कार्यवाही की आज़ादी अवश्य दी है। कोर्ट ने अब तक की गई वसूली रिफंड करने के आदेश दिए हैं। छत्तीसगढ़ की सरकार ने कहा, केंद्र सरकार ने रबी सीजन के लिए आवंटित उर्वरक स्टॉक नहीं दिया। जी हां, छत्तीसगढ़ सरकार ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा मंजूर कोटे के अनुसार इस रबी सीजन के लिए राज्य को रासायनिक उर्वरकों का आवंटित भंडार नहीं दिया गया। बकौल राज्य सरकार, केंद्र ने इस रबी सीजन 4.11 लाख टन रासायनिक खाद के आवंटन को मंजूरी दी थी। राज्य सरकार के अनुसार जनवरी तक केवल 1,71,476 मीट्रिक टन उर्वरक मिला है। क्रोम, फायरफॉक्स और एज ब्राउजर के वर्जन 100 की रिलीज से वेबसाइट्स हो सकती है डाउन। जी हां, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स और एज ब्राउजर का वर्जन 100 लॉन्च होने वाला है और ट्रिपल रिलीज से कई वेबसाइट्स डाउन हो सकती हैं। कुछ वेबसाइट्स पर बग या कंपैटिबिलिटी की समस्या आ सकती है, जो कि ट्रिपल डिजिट यूजर्स एजेंट स्ट्रिंग को पढ़ने में असमर्थ होंगे। मोजिला ने कहा कि जब 12 साल पहले वर्जन 10 आया था तब कई समस्याओं का पता चला था। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा, कैप्टन अमरिंदर सिंह और सुखबीर सिंह बादल एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जी हां, पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले राज्य कांग्रेस प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और सुखबीर सिंह बादल एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उन्होंने कहा कि अमरिंदर सिंह या बादल को चुनना एक प्रतिगामी कदम होगा। बकौल सिद्धू, बदलाव लाना है तो ये आदमी योजना के साथ आपके सामने है। दर्जन भर राज्यों में अचानक 287 ट्रेनें हुई रद्द, नहीं बताया गया कोई भी कारण। जी हां, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन यानी IRCTC की वेबसाइट के मुताबिक भारतीय रेलवे ने कुल 287 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। हालांकि ट्रेनों के रद्द होने के संबंध में कोई कारण नहीं बताया गया। ट्रेनों को दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, असम और बिहार के लिए यात्रा करनी थी। मुकेश खन्ना ने कहा, शक्तिमान है दुनिया का सबसे बड़ा सुपर हीरो। जी हां, शक्तिमान फिल्म के निर्माताओं में से एक अभिनेता मुकेश खन्ना ने कहा कि शक्तिमान दुनिया का सबसे बड़ा सुपर हीरो है। आगामी परियोजना के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि इसे आज के परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए उच्च स्तर पर बनाया जाएगा। मुकेश खन्ना ने कहा कि शक्तिमान अपनी मौलिकता बनाए रखेगा और फिल्म में सार नहीं है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियो न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।